बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ गेमिंग YT। और आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स कोड 11S में पबजी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रही है, ये आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा बताऊँगा ग्राफिक्स कितने हैं और इसकी सेटिंग वगैरह और बाकी इसके बारे में, इसके स्पेक्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले अगर इसके स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इसमें जो कह सकते हैं कि इसके जो बैक कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 1 मेगापिक्सल का है, और जो मेरे पास जो सेट है ये 4GB रैम और 128GB रोम के साथ है। ठीक है, तो इसके बीच चिप सेट की बात की जाए तो इसमें मीडिया टेक का चिप सेट लगा हुआ है G88, और GPU की बात की जाए तो ये G52, इसमें माली G52 इसमें ऐड किया गया है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लोगों ने काफ़ी इस पर वीडियो बना कर रखी है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से कर देता हूँ कि ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे और पबजी टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि इसकी स्पीड वगैरह और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो किसी किस्म का लैग का इशू तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, पबजी को ओपन करते हैं, और यहाँ पर पबजी ओपन करते हैं और यहाँ पर इसके कुछ अपनी फंक्शंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गेम ऑन करने पर हमें दिए जाते हैं। अब ये पबजी ऑन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी। अब मैं एक आपको बात मेंशन ज़रूर करूँगा, मैं ख़ुद जो गेम प्ले बनाता हूँ वो इन्फिनिक्स नोट 7 में ही बनाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर कभी एक बार बूट गेम में या कुछ इस तरह मैप में हमें कुछ ना कुछ लैगिंग देखने को लाजमी मिलती है, तो यहाँ पर भी शायद मिलेगी और कुछ ना कुछ हमें लैग देखने को मिलेगा मेरे आइडिया के मुताबिक। और अभी तक ये इन्फिनिक्स जो भी हैं वो गेमिंग फ़ोन्स हैं, ये लैग होते हैं, और ये भी है कि गर्म भी बहुत, हीट अप भी बहुत कम होते हैं बाकी मोबाइल की नस्बत, और होते भी हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो गेम का वो तकरीबन ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका कुछ सेटिंग है वो करेंगे, तो सबसे सेटिंग करने से पहले मैं आपको इसकी ग्राफिक चेक करा देता हूँ। ठीक है, अब इसकी ग्राफिक्स देखे जाए तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं कि स्मूथ में हमें अल्ट्रा मिल रहा है और बैलेंस में हमें अल्ट्रा मिल रहा है, और HD में भी हमें अल्ट्रा नहीं बल्कि हाई मिल रहा है, और HDR ये बाकी चीज़ें कमिंग सोन पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये स्मूथ पे अल्ट्रा यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इसका गैरो भी ऑन करके देखेंगे कि वाकई किसी किस्म का इशू तो नहीं है, गैरो हमने ऑन करके रखा है, और बाकी मैंने कुछ छोटी मोटी इसमें सेटिंग की है। ठीक है, तो कुछ मैप भी मैंने बहुत कम से डाउनलोड करके रखे हुए हैं ताकि सिर्फ टेस्ट ही किए जाएँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अरीना पे जाऊँगा और अरीना यहाँ पर करेंगे कि टीम डेथ गेम पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे। स्पेक्स मैंने आपको बता दिए, अगर इस वाले से कोई सा भी क्वेश्चन हो बाकी मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में इस फोन की दे दूंगा, तो आपने वहाँ से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैचिंग हो रही है, थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा, ये सर्वर का इशू हो सकता है, ये मोबाइल की परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर इसके कोई फ्यूचर जो मुझे अच्छे लगे हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह आपको बिल्कुल सामने नहीं आएगी, नहीं किसी का मैसेज आपको सामने दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो यहाँ पर अगर ये डुअल सिम है, ये भी आपको मेंशन कर दूँ, ये 4G सपोर्टिंग डुअल सिम है, और 1 मेमोरी कार्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें यहाँ Type-C ये सपोर्टेड है। ठीक है, तो काफ़ी अभी टाइम ले रहा है, वापस इसको स्टार्ट भी कर देते हैं, तो हम वेट करते हैं जब तक ये पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हो जाए।
सो गाइस, हमारी जो गेम है वो आ चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर हम ये भी कर लेते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पर ऑन लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस का पता लग सके। वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास स्कारल दी गई है और उसमें ऑन करके रखा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि वाकई इसकी परफॉर्मेंस हमें कैसे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो मैंने सेटिंग मैंने की थी मेरे घर पर, वो दूसरी मैप में सेटिंग वर्क करेगी, तो हम यहाँ से देखेंगे वाकई के किस तरह की परफॉर्मेंस है। मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी हुई है, ठीक है। ये इसकी सेटिंग कुछ आगे पीछे है, इसकी वजह से हमें शायद थोड़ा सा दिखने में मसला होगा। मुझे लग रहा है कि ये बोट ही हैं, यहाँ पर बोट ही आ रहे हैं, कोई मेन प्लेयर नहीं है इस तरह का। वो देखो, वो देखो इसकी हालत देखो, यहाँ पर मैं आपको क्या देखूँ। अभी तक मुझे लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिली फिलहाल। सेटिंग आगे पीछे है, उसकी वजह से ही मुझे थोड़ा सा इशू देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि ये बोट ही है, तो अभी तक फिलहाल परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है, लेकिन फिर भी कभी कभार ये आपको लैगिंग जरूर दिखाएगा, ठीक है। तो ये शायद फ़ोन थोड़ा न्यू होने की वजह से थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस गुड मिल रही है। तो यहाँ तक हमने इसको चेक कर लिया है, अभी तो मैंने गन गेम लगाई है, अभी तक मैंने सेकंड रिकॉर्डिंग इसका ऑफ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गैरो भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभार आपको शायद थोड़ा सा होल्ड होने में आपको ये हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिले। तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब दूसरा मैप चेक करते हैं कि वाकई किस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप प्लेयर यूट्यूब के लिए ले रहे हैं सेकंड रिकॉर्डिंग के लिए, तो थोड़ा सा आपको हाई लेवल का फ़ोन लेना चाहिए, यानी आईफोन या इस तरह का। लेकिन ये भी काम कराएगा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं खुद इन्फिनिक्स नोट 7 में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरा मैप चेंज करके रखा है और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे हमें देखने को मिलेगी। और ये हिलियो जी यहाँ पर भी आप बॉक्स में देख सकते हैं, डुअल चिप प्रोसेसर के साथ आता है यहाँ पर। हम सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा मेरे ख्याल में इशू बन रहा है, ऊपर जो स्क्रीन इसमें लगाया गया उसके हवाले से प्रोटेक्टर जो है ये इशू कर रहा है। मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया इसमें प्रोटेक्टर को चेंज नहीं किया। तो
प्रोटेक्टर की वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है। लेवल 3 का बैग जो इसमें थोड़ा सा इशू कर रहा है, हम इसके थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको साफ़ करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊँगा। अभी तक जो परफॉर्मेंस हमें कितनी देखने को मिली है वो काफ़ी हद तक बेस्ट है, और इसके से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने अभी तक ऑफ़ करके नहीं रखा। ठीक है, तो अभी मैंने ऑफ़ किया है आपके सामने। तो ये अभी तो अगर वैसे ही आप लेना चाहते हैं तो ये आपको बहुत बेस्ट रहेगा पबजी खेलने के लिए। वैसे अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेंगे तो थोड़ा सा इशू कर सकता है, ये कि नहीं करेगा बल्कि थोड़ा सा इशू कर सकता है, आपको थोड़ी लैगिंग देखने को मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये वैसे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर रही है। जिस तरह हम 25 की रेंज में आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है, जितनी इसकी देनी चाहिए वो इसकी दे रहा है। ठीक है, तो हीट अप होता है बहुत ही कम, यानी बाकी मोबाइल की नस्बत ही जितना बहुत है उसी तरह से ये भी हीट अप होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।